यीशु ख्रीस्त हमारे राजा के नाम पर सबको जय यीशु। आपने राजाओं के बारे में बहुत कुछ दिलचस्पी कहानियां सुने होंगे। जब हम राजा शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारे मन में राजगद्दी, सिंहासन, रानी, राजमुकुट, सैनिक, लड़ाई के लिए घोड़े, हाथी, तलवार आदि हमारे मन में आते हैं। आज हम ख्रीस्त हमारे यीशु राजा का पर्व मना रहे हैं, जिसका ना कोई सिंहासन, ना कोई राजमहल, उनकी रक्षा के लिए ना सैनिक, सेवा के लिए ना कोई नौकर, लेकिन उनके सिर पर कांटों का मुकुट, शरीर पर कोड़ों के घाव और उनके हाथ और पैर में कीले देखने को मिलते हैं। माता कलिसिया, आज ख्रीस्त राजा के पर्व के दिन सुसमाचार में क्रूसित यीशु के सामने तीन प्रकार के लोगों को प्रकट करती है। पहला, जनता जो खड़ी होकर देख रही है। दूसरा, अविश्वासी जनता जो यीशु का उपहास कर रही है। तीसरा, व्यक्ति जो यीशु को स्वर्ग का राजा के रूप में पहचानते हैं। कलिसिया हमें इस बात पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है कि हम कौन से संगति में शामिल हैं। क्या हम भी वही जनता की तरह यीशु पर होने वाले अत्याचार को खड़े होकर देख रहे हैं, या फिर उन अविश्वासी नेताओं की तरह उनकी उपहास कर रहे हैं, या फिर यीशु को उसकी विनम्रता, दुर्बलता पर भी हम अपना राजा स्वीकार कर रहे हैं। हम संत योहान के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 10 से 12 तक पढ़ते हैं, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। यीशु हमारे राजा परमेश्वर के दाएं ओर विराजमान तो हैं, लेकिन वही यीशु जैसे आज के सुसमाचार में एक असहाय दुर्बल व्यक्ति के रूप में हमारे बीच में आते हैं। क्या हम हमारे राजा को हमारे बीच बुजुर्ग, पीड़ित, कठिनाइयों में जूझते व्यक्ति, गरीब व्यक्ति में देख सकते हैं? हम मत्ती के अध्याय 25 पद संख्या 35 और उसके आगे पढ़ते हैं, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पिलाया, जब मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने पास ठहराया, जब मैं नंगा था तो तूने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था और तूने मुझे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तूने मुझे मिलने आए। हमारे राजा यीशु ख्रीस्त हमें बाकी राजाओं की तरह चमकीले कपड़े पहनकर महल में नहीं मिलेंगे, लेकिन बीमार से पीड़ित, बुढ़ापे, लाचार और कई समस्याओं से दबे लोगों में मिलेंगे। आइए हम हमारे परिवार, पड़ोस और समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों में यीशु की उपस्थिति को पहचाने और उन्हें अपना मददगार हाथ बढ़ाए, ताकि हम भी यीशु के राज की अनमोल प्रजा बन सकें।